सरकार द्वारा यमुना सफाई के लिए किए वादे 4 साल में भी पूरे नहीं हुए हैं, जबकि कई बार बड़े मंत्री मथुरा आकर सफाई का आश्वासन देकर चले गए, पर नतीजा हमेशा शून्य ही रहा। पर अब कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने यह बीड़ा उठाया है और इसे लेकर एक जनसमूह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यमुना स्वच्छ योजना के नाम पर केंद्र से लाखों रुपए आते हैं, लेकिन आज तक यमुना नदी की सफाई नहीं हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह के नेतृत्व में मथुरा युवा कांग्रेस अध्यक्ष यतेंद्र मुखदूदम ने शहर के रुक्मणी विहार से विश्राम घाट होकर होली गेट से जिला कलेक्टर तक यमुना सफाई के लिए रैली निकाली। इस रैली के जरिए जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्रा को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें जिलाधिकारी से हथने कुंड से पानी छोड़ने की मांग की गई है। वहीं गंदे नालों को बंद करने की भी बात कही गई है। साथ ही जिलाधिकारी से कहा गया कि अगर हमारी बात को केंद्र ने नहीं सुना तो हमारा आंदोलन बड़ा रूप धारण कर लेगा। इसके साथ ही मथुरा में लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध जल मुहैया कराने की मांग भी की गई। यमुना नदी का ये हाल देखकर श्रद्धालुओं को बड़ी ठेस पहुंचती है। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने कहा, यहाँ के लोगों की भावनाओं से सरकार खिलवाड़ करना बंद करें। एनीवन न्यूज के लिए मथुरा से खेमचंद की रिपोर्ट।